नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी के लिए आज गुड़हल के फ़ायदों को लेकर के। गुड़हल एक आम सा फूल है जो कि देखने में सुंदर होता है। ऐसे कई गुड़हल के फूल हैं जो कि अलग अलग रंगों में पाए जाते हैं, जैसे लाल, सफ़ेद, गुलाबी, पीला और बैंगनी इत्यादि रंगों में। यह सुंदर सा गुड़हल का फूल स्वास्थ्य के खजाने से भरा हुआ होता है। इसका इस्तेमाल खाने पीने या दवाओं के लिए किया जाता है। इससे कोलेस्ट्रॉल, मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर और गले के संक्रमण जैसे रोगों का इलाज किया जाता है। यह विटामिन सी, कैल्शियम, वसा, फाइबर, आयरन का बढ़िया स्रोत है। गुड़हल के ताजे फूलों को पीसकर लगाने से बालों का रंग सुंदर हो जाता है। मुंह के छाले में गुड़हल के पत्ते चबाने से लाभ होता है। डाइटिंग करने वाले या गुर्दे की समस्याओं से पीड़ित व्यक्ति अक्सर इसे बर्फ के साथ पर बिना चीनी मिलाए पीते हैं, क्योंकि इसमें प्राकृतिक मूत्रवर्धक गुण होते हैं। क्या आप जानते हैं कि गुड़हल की चाय भी बनती है? जी हाँ, गुड़हल की चाय एक स्वास्थ्य हर्बल टी है। ऐसे अनेक फायदे हैं इस गुड़हल के, तो आइए हम जानते हैं आज इसके औषधीय लाभों के बारे में। ये सर्दी, जुकाम एवं बुखार को दूर भगाता है, दिल के लिए फ़ायदेमंद होता है, हाई ब्लड प्रेशर को दूर भगाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को भी दूर करता है, किडनी के रोगों में फ़ायदेमंद है, श्वास रोगों को दूर करता है, गले और कफ के रोगों को दूर करता है, बालों को झड़ने से रोकता है, स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, खून की कमी को दूर करता है, गाल ब्लेडर स्टोन को निकालने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, मुहासों को दूर करने का भी एक रामबाण इलाज है। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार से हम यूज करेंगे तो जो भी ये बीमारियां हमने बताई उनका इलाज करेगा गुड़हल। सबसे पहले सर्दी, जुकाम और बुखार में गुड़हल से बनी चाय को प्रयोग सर्दी, जुकाम और बुखार इत्यादि को ठीक करने के लिए किया जाता है। दिल के लिए ये फ़ायदेमंद होता है। गुड़हल के फूल का अर्क दिल के लिए उतना ही फायदेमंद है जितना रेड वाइन और चाय। विज्ञानियों के मुताबिक चूहों पर किए गए एक नए शोध में पाया गया है कि गुड़हल का अर्क कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक है, इसीलिए यह इंसानों पर भी कारगर होगा। हाई ब्लड प्रेशर और बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए ये काल की तरह कार्य करता है। अगर गुड़हल को गर्म पानी के साथ उबालकर या फिर हर्बल टी के जैसे पिया जाए तो यह हाई ब्लड प्रेशर को कम करेगा और बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को घटाएगा, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है। किडनी के रोगों में फ़ायदेमंद। डाइटिंग करने वाले या गुर्दे की समस्याओं से पीड़ित व्यक्ति अक्सर इसे बर्फ के साथ पर बिना चीनी मिलाए पीते हैं, क्योंकि इसमें प्राकृतिक मूत्रवर्धक गुण होते हैं। श्वास रोगों में ये बेहद कारगर होता है। गुड़हल का फूल काफ़ी पौष्टिक होता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। यह पौष्टिक तत्व सांस संबंधी तकलीफों को दूर करते हैं। गले और कफ के रोगों के लिए, गले के दर्द को और कफ के रोगों के लिए गुड़हल की चाय बहुत ही उपयोगी है। बालों को झड़ने से रोकने के लिए गुड़हल के फूलों का असर बालों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए भी होता है। इसे पानी में उबाला जाता है और फिर लगाया जाता है, जिससे बालों का झड़ना रुक जाता है। यह एक आयुर्वेदिक उपचार है। इसका प्रयोग केश तेल बनाने में भी किया जाता है। यह स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। गुड़हल के पत्ते तथा फूलों को सुखाकर पीस लीजिए। इस पाउडर की एक चम्मच मात्रा को एक चम्मच मिश्री के साथ पानी से लेते रहने से स्मरण शक्ति तथा स्नायुविक शक्ति बढ़ती है। खून की कमी को ये दूर करता है। गुड़हल के फूलों को सुखाकर बनाया गया पाउडर दूध के साथ एक एक चम्मच लेते रहने से रक्त की कमी को दूर कर देता है। गाल ब्लैडर स्टोन को निकालने में भी काफ़ी मददगार साबित होता है गुड़हल का फूल। गुड़हल के फूलों को सुखाकर बनाया गया पाउडर पित्त की पथरी को दूर करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। मुहासों को दूर भगाने के लिए, यदि चेहरे पर बहुत से मुहासे हो गए हैं तो लाल गुड़हल की पत्तियों को पानी में उबालकर पीस लें और उसमें शहद मिलाकर त्वचा पर लगाएं। इससे
आपके पिंपल्स दूर हो जाएंगे, यानी कि मुहासे दूर हो जाएंगे और चेहरा कांतिमय हो जाएगा। तो देखा दोस्तों, आप सभी ने, ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।